हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के स्टूडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी चारों जो है इसी वीडियो में निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि चारों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम माध्य निकालना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि माध्य निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है माध्य निकालने के लिए। देखिए माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, और जितना संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्याओं को काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कितना संख्या है उस संख्या को काउंट करके जितना संख्या है उस संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो वही उसका माध्य हो जाता है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याओं का योग ये लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाए, और बटे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिए कैसे संख्याओं का योग बोल रहा है, यानी पूरे संख्या को हमें जोड़ देना है। तो देखिए जोड़िए, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8, इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 2 3 5 6 11 1 12 4 16 16 5 21 21 3 24 और 24 और 8 हो जाएगा हमारा मिलकर 32। ठीक, तो यहाँ पे आया हमारा जोड़ने के बाद 32 आया। और नीचे क्या बोल रहा है, कुल संख्या बटे कुल संख्या। देखते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल संख्या कितना है, 8 है। तो हमें भाग दे देना है, जो आपका ये कटने वाला तो काट दीजिए, 8 चौका 32 जो है 8 से 4 बार में कट रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4। यानी जब भी आपको इस टाइप से बोला जाए माध्य निकालने के लिए तो हमें इसी टाइप से करना है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा काउंट करके उस संख्या से भाग दे देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। माध्य हमें इसी तरीके से निकालना है। चलिए अब हम माध्यिका निकालना सीखते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं मीडियन और माध्य को बोलते हैं मीन। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए भी बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है माध्यिका निकालने के लिए 7 5 3 6 2 9 1, जो नंबर आपको दिया हुआ रहेगा माध्यिका निकालने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हमें आरोही क्रम में लिख देना, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले ये करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जो संख्या है इसको बढ़ते क्रम में लिखिए आप। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे यानी छोटे संख्या से पहले स्टार्ट होगा, मतलब पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बढ़िया बड़ा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक सबसे छोटा है, बढ़ते क्रम में लिखिए, 2, उसके बाद 3, उसके बाद देखिए कौन बड़ा है, 5, उसके बाद 6 बड़ा है, उसके बाद 7 बड़ा है, उसके बाद 9 बड़ा है। देखिए कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हमने जब ये बढ़ते क्रम में लिख लिया तो अब क्या करना है कि देखना है कि दोनों साइड से, यानी इस साइड से और इस साइड से बराबर बराबर हमें मतलब नंबर को हटा लेना है। जैसे कि यहाँ पे 7 संख्या है, 3 संख्या इधर से हमें साइड कर लेना है और 3 संख्या इधर से साइड कर लेना है, बराबर बराबर हमें साइड कर लेना है। तो बीच में एक सिंगल संख्या क्या बचा, 5 बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, मीडियन, एकदम जो बीच में है वही फाइनल होता है, यानी मीन, माध्यिका। तो यही 5 इसका माध्यिका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे विषम संख्या था तो 3 इधर कर लिए हैं, 3 इधर कर लिए हैं, जो बीच में बचा 1 वही उसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे विषम संख्या था तो हम 3 संख्या इधर कर लिए और 3 संख्या इधर कर लिए हैं, तो यहाँ पे 1 संख्या बचा तो वही उसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे सम संख्या रहे तो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई संख्या बढ़ा दिया 4, तो यहाँ पे भी सम संख्या हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर हो गया, तो कुल ये सम संख्या हो गया। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम सबसे पहले तो वो बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है हमें, तो आरोही क्रम में लिखिए, 1 2 3 और एक संख्या बचा है 4, तो 4 5 6 7 9। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 4 8 संख्या है, तो 4 इधर से छांटेंगे और 4 इधर से हम हटाएंगे, तो बीच में तो कोई संख्या बच नहीं रहा है, लेकिन हमें बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 इधर से कर लेंगे और 3 इधर से कर लेंगे, बीच में कितना नंबर बचा, 2 नंबर बचा, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 5 और 4 मिलकर हो जाएगा 9। कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 बार में ये कटेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4.5, यानी यही इसका मीन, मीडियन हो जाएगा। ठीक, यानी माध्यिका हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जो है माध्यिका निकालना है। चलिए आई होप आपको ये माध्यिका भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बहुलक निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बहुलक से लिया है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो परिसर से लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बहुलक निकालना सीखते हैं। तो बहुलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं
मोड, मोड मीन्स बहुलक। ठीक, तो देखिए बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो आपका नंबर दिया हुआ रहेगा ठीक ना, उसी में जो संख्या यानी जो नंबर जो है ज्यादा बार रिपीट होगा यानी ज्यादा बार दोहराया हुआ होगा वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमें देखना है कि कौन संख्या जो है, कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कितनी बार है, एक यहाँ पे देखिए एक ही बार है, तीन कितनी बार है, एक दो तीन, तीन जो है यहाँ पे तीन बार है। ठीक, एक जो है एक बार है, दो देखिए कितनी बार है, दो, एक दो, दो जो है यहाँ पे दो बार है। ठीक, अब कौन सा संख्या है, पांच, पांच जो है कितनी बार है, पांच देखिए पूरे में एक बार है, पांच जो है एक बार है, उसके बाद नौ कितनी बार है, तो नौ जो है पूरे संख्या में एक बार नौ है। ठीक, और यहाँ पे कौन संख्या बच गया, सात, सात जो है कितनी बार है, सात देखिए सात एक बार है, यानी इस पूरे नंबर में कौन सा संख्या जो है, कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हुआ है, ज्यादा बार दोहराया गया है, तो यहाँ पे तीन जो है तीन बार, यानी सबसे ज्यादा तीन बार इसमें तीन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बहुलक यही इसका हो जाएगा, बहुलक यानी मोड जो हो जाएगा तीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमें बनाना है, जैसे कि एक और इसी में आपको बता देते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक पांच दो तीन पांच छः पांच आठ पांच, तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट हुआ होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पांच जो है सबसे ज्यादा बार है, तो यही इसका पांच आंसर हो जाएगा, मोड यही इसका पांच हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से जो है हमें बहुलक यानी मोड बनाना है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है परिसर, परिसर कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए परिसर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है परिसर बनाने के लिए, कि जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी बड़े नंबर में से हमें छोटे नंबर को माइनस करना होता है परिसर बनाने के लिए। तो परिसर जब भी आपको निकालना हो तो परिसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। परिसर में जब भी आपको नंबर दिया हुआ रहे और परिसर निकालने के लिए बोला जाए, तो बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या करेंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या इस नंबर में कौन सा है, तो नौ है, और सबसे छोटा संख्या देखना है कौन सा है, तो यहाँ पे तीन है, तो नाइन माइनस थ्री करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यानी यही जो है इसका परिसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना है। तो आई होप आपको जो है चारों इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।